नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भाई के इस नए व्लॉग में, जहाँ पे मैं हमेशा की तरह नींद में हूँ क्योंकि टाइम अभी हुआ है 10 बजे, मतलब 10:27 हुए हैं और हम जा रहे हैं एक टेक वीडियो शूट के लिए। जो अपना टेक चैनल है ना, उसके रिगार्डिंग ही एक तरीके से शूट आया है, लेकिन ये आई गेस इंस्टाग्राम पे आएगा। इंस्टाग्राम पे एक रील आएगी, एक कोई बहुत ही फेमस टेक यूट्यूबर है, उनके साथ अपना वीडियो है। बहुत अच्छे व्यक्ति, मैंने अभी तक उनको देखा नहीं है, लेकिन अभी मिलने के बाद देखूंगा और फिर देखते हैं। उनके स्टूडियो में उन्होंने बुलाया और वहाँ पे जाके पहले फोन देखूंगा और फिर सोचूंगा क्या, मतलब थोड़ा आरएनडी करूंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विषय, थोड़ा सा चेकिंग विकिंग है दिल में, और वो भी है अपने को मदद करने के लिए। तो यही सिंपल सा व्लॉग स्टार्ट है। मैं सोच रहा था व्लॉग बनाऊं कि नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज था कि अरे बस जाना है शूट करना और आना है नहीं, लेकिन बोला चलो एक अपडेट हो जाएगी, आपको भी पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मेरी चौंगे थ्रू तो वहाँ पे दिख रहा है 37 मिनट्स है और मेरा सर दर्द कर रहा था तो मैं आराम कर रहा हूँ। डाकू गाड़ी चला रही है और हम पहुंच जाएंगे दोस्तों, उससे पहले थोड़ा नाश्ता करना पड़ेगा। और मैं अभी सोच रहा हूँ दोस्तों कि इस आगे आने वाले कुछ दिनों में अपन बादशाह ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जाने वाला है, फिर से ढाक भैरी दर्शन होने वाला है क्योंकि राणे का बर्थडे आ रहा है और राणे बहुत एक्साइटेड है कि यार श्रीमान तुम सब लोग चलो, तो हम सब लोग विचार करें कि जाएंगे। और सबके लिए राणे ने इस बार मतलब सारी सोए करके रखी हुई, मतलब जेवण उधर दो टाइम जेवण मिलेगा, दोनों दिन सोने का विषय किया है, वो एयर का गद्दा विद्दा सारी चीजें करके रखी, और जो जरूरतमंद है उनके लिए, हैदर से जो जरूरतमंद है उनके लिए एकदम प्यारा सा रात को गीत समारोह ऐसा राणे ने करके रखा है। और मुझे टेंशन दूसरा है कि इस बार मैं किस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो आपको दिखाऊंगा। तो इस बार शायद अपना इंस्टा 360 से रिकॉर्डिंग करूं, मतलब अपना गोप्रो तो है ही, और जो ढाक भैरी का डूंगर चढ़ते हैं ना, वो मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक, मेरे दिमाग में एक प्लान है वो दिखाने वाला हूँ, मैं बता नहीं सकता, बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। उसके बाद बुलेट के ऊपर आप बहुत दिन से बोल रहे हो बुलेट के ऊपर मोटो ब्लॉग बना, वो बनाने वाला हूँ। फिर बिफोर लद्दाख एक छोटी सी राइड करने वाला हूँ BMW पे, ताकि ज़रा एक सीनर्जी पता चले, सब जिन लोगों को लेके जाने वाला उन लोगों को लेके जाऊँगा एक दो दिन के लिए, मजा आने वाला है, देखते हैं। और अभी फिलहाल तो इम्पोर्टेंट काम है, खाना खाने का है, सिर दर्द कर रहा है मेरा, तो खाना खाना है बस। मैं एक पब्लिक टॉयलेट में गया, मुझे शीशा आई थी, मैंने शीशी वीशी की, मस्त टॉयलेट था, अच्छा था, कुछ विषय नहीं है, लेकिन वहाँ पे शीशी करने के 5 रुपये चार्जेस थे, तो मैंने शीशी की, हाथ भी धोए, बाजू में आया आंटी वहाँ पे खड़ी थी और उसका ध्यान ठीक से नहीं था और 5 रुपये का विषय था, मैं रच करके राइट मार के गायब, 5 रुपये बचा लिए ब्रो। अभी हम कुठे आले थे अपन, ये अपने जार्विस भाई दोस्तों, जो मैंने बोला था ना इनको, इनको अपन मिलने जा रहे हैं। ये एक टेक यूट्यूबर है, रील्स भी बना रहा है, टेक रील्स भी बनाते हो ना? हाँ। तो मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ और मराठीज माणूस है। नाव क्या तुमचा भाऊ? अक्षय बोलते हैं। इनके साथ अपना रील है, तो देखते चलो, इनका स्टूडियो है यहाँ पे, आपने खुद बनाया स्टूडियो? हाँ। चलो देखते हैं दोस्तों। ये देखो एक रूम है और रूम में एकदम मस्त इन्होंने सेटअप करके रखा है प्रॉपर, ये देखो कितना नीट नीट का है। ये जार्विस भाई को मेरे बुटके में लेके आया ना मैं, तो ये जान छोड़ देगा, इतना नेट नेट का मानुस है ये, देखो प्रॉपर सब है, प्रॉपर मोटिवेशनल का विषय, देखो ना, लेस टॉक्स मोर डूइंग, मोर हार्ड ड्रीम बिग है, अच्छा वर्क हार्ड ड्रीम बिग, नेवर गिव अप, बाप रे फुल एकदम मोटिवेशन है जारिस भाई। मैंने आप अभी बोला कि आप इतना नेट नेट का रख रहे हो ना सब, आप मेरे बुटकैम्प में आओगे ना आप जान छोड़ दोगे, इतना सब बिखरा हुआ रहता है। अच्छा नहीं नहीं बट भाई मस्त है, ये देखो कितने सारे डिवाइसेस हैं यहाँ पे। बहुत नींद आ रही थी तो थोड़ा सा नींद घलवाई, अभी शूटिंग विषय चल रहा है, ये देखो इधर क्या क्या है, टेली प्रिंटर प्रिंटर है, अपन भी लेंगे ऐसा विषय, कैमरा है रिचनेस फॉरएवर वाला, और यहाँ पे एकदम प्रॉपर सेटअप है, और ये बंदा है ना बहुत क्वालिटी है, ये इनके साथ काम करते हैं, बहुत बादशाह एडिटिंग करते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ, लाइटिंग बीटिंग इनका सच में, इनका बूट मतलब बूटकैम्प नहीं सॉरी इनका स्टूडियो बहुत सोफिस्टिकेटेड है रे, मतलब क्या ही बताए, एक दिन है ना बूटकैम्प आना पक्का, आपको मतलब स्वच्छता क्या होती है वो दिखाता हूँ मैं असल में। शूटिंग डन हो गई, साधारणपणे 5 घंटे लगे, 5, लेकिन रील बहुत अच्छी बनी है। आई थिंक ये रील कब तक जाने वाली है? दो तीन दिन में शायद, नहीं ब्लॉग आएगा उससे पहले, रील जल्दी आप देखोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा रील रहा भाई, बहुत अच्छे एकदम अंडरस्टैंडिंग है, मज़ा आ गया। अभी हम जा रहे हैं, छोटा सा शूट बाकी है उस फोन का, वो कंप्लीट करके हम चले जाएंगे अपने घर पे। मेरी चंचू, क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं, जबरदस्ती हो रही है बस मेरे साथ। क्यों?
मुझे घर जाना है, मुझे स्ट्रीम करनी है दोस्तों, और मुझे स्ट्रीम नहीं करने दे रहे अभी। वो एक हमारे प्रिय मित्र रवि भाई है, वो मुझे लालच दे रहे हैं कि अपन शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट मेरी शॉपिंग करने की भी ताकत नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा खच्ची हूँ फिलहाल। बैंक के 40,000 है, 40,000 ऐसा बोले, 40,00,000 है। गाड़ी अभी एक पार्किंग में लगाई, बहुत भयानक एरिया ये, मुस्ती ट्रैफिक है, और इस व्यक्ति की वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। हाँ, व्लॉग में आ गए आप, और ये अपने बैजू भाई। बैजू भाई, एयरकेट का क्या विषय? पापा फौज में। और आप मौज में? और ये यहाँ पे लेके आए, ये पता नहीं मुझे क्या है, CDC वगैरह, जाके देखेंगे अंदर क्या होता है। मशहूर है एकदम ऐसा, ये फटे फटे कपड़ों के लिए। ये CDC? भाई यार, अंदर शूज है, ये पूरे इम्पोर्टेड शूज, जो चाहे उस तरीके शूज है, मुझे पता ही नहीं था रे। मैं आया यहाँ पे 10-12 हजार से लेके 1-1 करोड़ तक के शूज है। 1-1 करोड़? अरे मैं अंबानी हो जाऊँ तो भी मैं 1 करोड़ का शूज ना लूँ भाई, इतना महंगा शूज कैसे हो सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह है, मैंने ठहरवाया है कि कुछ लेना नहीं है, बट शूज देख के थोड़ा सा मन पिघल रहा है। और ये जो लोग हैं ना, ये देखो, ये सारे श्रीमान फैमिली मेंबर हैं, वो सब दिख रहे थे मुझे। ये मुझे पसंद आया, 47,000 फक्त। कैंसल। ये देखो दोस्तों, नए टेक्निक वाले शूज, खेती करने जाओगे ना कीचड़ बीचड़ में, ऐसे शूज लिया जाते हैं, मतलब चारों तरफ देख। हाँ, सोलिया वो भाई माजी आए भाई, ये कितने का है इसका, इसका स्कैनिंग मार कितने का है? अच्छा, गावत 42,000 बेचे हर सा गंबूट। मुझे ये थोड़े से अच्छे लगे, ये 27,000 के आसपास कुछ है, इसमें ऐसा शेड है गोल्डनिश्ट, और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, बजट के आसपास है, 27,000 मुझे ठीक है ना, देखते हैं। ये शूज़ देखो, ये 1200 का लग रहा है, लेकिन ये 55,000 का है, मेरी लायक ही नहीं दोस्तों। मैं थोड़ा सा शूज़ वूज़ में नल्ला हूँ, लेकिन मैं ये जान चली जाए तो भी 55,000 में नहीं ले सकता। ये जो सुंदर शूज़ है ना, ये 9,00,000 का है, 9,00,000। और ये ना, ये भी महंगा है, लुई विटों का। ये सारे शूज़ प्रीमियम है, प्रीमियम बच्ची के दिल में। और बहुत सारे डिसीजन होने के बाद मैंने एक चीज़ ली है, बताता हूँ। ये लिया है मैंने, ये शोरूम से बच्चा, साल्टी के लिए तो भी चलेगा, लेकिन ये भी 600 खर्चा आया। और इन लोगों ने तो बहुत कुछ क्या क्या लिया है बाबा। रवि भाई तो वन सेट खर्चा कर रहे ले बच्ची। तो पता है दोस्तों, रवि भाई कौन है पता है क्या, एक गुजरात में अपन गए थे ना, तो अभी हम डिस्कस करने आए थे कि अगली बार किस होटल में गुजरात लेके जा रहे हो और कितने शेयर दिखा रहे हो, डिस्कशन के लिए हम इधर आए थे, है कि नहीं भाईजू भाई? मैं पता है किस लिए पॉपुलर हो गया हूँ। हाँ। अरे ये बिना नहाए आ गए, अरे ये नहा कर आ गए। गोलगप्पा चैलेंज कोई टैग कर रहा था मेरे को स्टोरी में, जिस दिन हम लोग ऊपर खाने गए थे। पब्लिक, पहली बार अटल सेतु में मैंने एंट्री मारी, एकदम भक्का वातावरण है रे, ये देखो ना, मतलब कुछ भी नहीं, मुझे लगा कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। और इस अटल सेतु में आने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले, कैसी कैसी ट्रैफिक में आया, आपको बता नहीं सकता। लेकिन अभी फाइनली हम अटल सेतु में आ चुके, मेरी चौबे इंद्रू, और यहाँ से अभी हम जाएंगे अटल वाड़ी में, अटल वाड़ी में या शमर डके, देखो तो सही। अटल सेतु पे दोस्तों लिमिट 100 की रखनी पड़ती है कंपलसरी, मैंने तो मतलब इस ऑटो पे रख दिया है वो। और ये देखो मैप में कैसा प्रॉपर लग रहा है वो, यत्रे जदलू बत्र, एकदम चुमे गड़गो में मस्त तो आट रहा है एकदम, मतलब किसी अलग ही जगह पे, बट ये साइड में ऐसा बंद है ना, मतलब कोई उड़ी बीड़ी मत मारे, गाड़ी बीड़ी ऐसा जंप होकर डायरेक्ट समंदर में विलीन हो जाएगी, इसलिए वो डरते। और अभी तो इतना दूर का पल्ला है, 22 किलोमीटर का कुछ रोड है, और 100 की स्पीड का लिमिटेशन है, बट कर ही क्या सकते हैं, रूल इज रूल ना मेरी चौचौड़ो। व्लॉग का एंड करना ना, ये जैसे किसी भी व्लॉगर का कर्तव्य होता है, वैसा मेरा भी है। शुरुआत हम अच्छे से एनर्जेटिकली करते हैं, लेकिन एंड करना हम हमेशा भूल जाते हैं। उसी तरीके से मुझे लाज वाट रही है कि हमेशा मैं व्लॉग का एंड भूल जाता हूं। अभी आपने अभी इतना जो देखा है ना, अभी मैं 2 दिन के बाद एक दूसरा व्लॉग बनाने के लिए, मतलब मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एक मूवी देखने के लिए, उसका मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले कि मैं कौन सी मूवी देख रहा हूँ और वो क्यों देख रहा हूँ और आपको क्यों देखनी चाहिए, बट वो अगले व्लॉग में। लेकिन विषय क्या है कि अबे यार एंड क्यों करना भूल जाता हूँ, जैसे रात हो जाती है ना तो क्या होता है वो नॉइस वगैरह ज़्यादा आता है ना, तो मैं अवॉइड करता हूँ चीज़ें। लेकिन कोई नहीं, अगली बार से मैं थोड़ा सा जिम्मेदार हूँ, आप इतना मुझे प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको एक अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करता रहूँ, ठीक है।
बाकी कोई विषय नहीं। और आप, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, कुछ दिन मेरा ये लुक एडजस्ट कर लो। हाँ, मैं भुजंगा दिख रहा हूँ आई नो, बट थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। एक बार मैं बादशाह लुक लाऊंगा, फिर दाढ़ी बीड़ी सब कटिंग, फिर नॉर्मल चुमचुमा जब चुम्मा, ठीक है। आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, और मैं ट्रैकिंग पे जाने वाला हूँ दोबारा, मतलब इसके बाद एक व्लॉग आएगा, उसके बाद आई गेस ट्रैकिंग का ही व्लॉग आ जाएगा, तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा व्लॉग पसंद आएगा। और एक मुद्दे पे बात करने में भूल गया कि ये जो शूज भी रहती है ना महंगी महंगी, आई नो ये सोसाइटी का एक विषय है कि बहुत से लोगों को शूज वगैरह पसंद आती है, उनको लेना अच्छा लगता है, लोग कलेक्शन बनाते हैं, सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन मैंने ना उनके रेट देखे ना, मुझे पचा नहीं रहे। मतलब अगर ये रेट किसी गैजेट में वगैरह होगा ना तो मैं ले लूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यूज करने को। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, बहुत लोगों को शूज पसंद है, बहुत लोगों को नहीं पसंद होते। मुझे पसंद है, बट मुझे ऐसे कि जाए किसी इवेंट पे वगैरह जा रहे तो वहाँ पे अच्छा दिखे वगैरह, टॉप टिप दिखो, इसके लिए। तो अभी वो दो शूज़ मैंने देखे तो महंगे तो थे थोड़े से, एक मेरे साइज़ का नहीं था, 27,000 का कुछ शूज़ था वो, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं ले लेता। लेकिन वही वैसा ही सेम शूज़ विद डिस्काउंट मुझे 22,000-23,000 के आसपास मिल रहा है, ऐसा मुझे टिप मिली एक के तरफ से। तो देखते हैं, अगर मिली तो मिली, काम 25 में मेरी चौन चौन गॉन गॉ। मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक आई लव यू।